मैंने ये समाजवादी मोर्चा इसलिए बनाया है, जितने भी उपेक्षित लोग हैं जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है और किसी भी पार्टी के हों जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है, जिनको कोई काम करने का मौका नहीं मिल रहा है और अपमानित हो रहे हैं, सबको हम बात करेंगे, सबको इकट्ठा करेंगे, सबसे बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद मैं पूरे उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे सभी सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे। ये समाजवादी मोर्चा सभी सीटों पर चुनाव लड़ाएगा। शिवपाल जी मुलायम जी कहाँ रहेंगे, किस तरफ रहेंगे? उनका आशीर्वाद मिला है मुझे, उनका आशीर्वाद मिलके आया, मैंने बात भी की, मैंने सबसे बात करी है। आप सब लोगों को जानकारी होगी इसकी, मैंने दिल्ली भी जा करके बात 3 बार करी, नेताजी से भी 3 बार बात करी है और 3 बार उनका आशीर्वाद लिया है। और मैंने दो साल भी इंतज़ार किया है, मैंने कसम भी खाई थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल सम्मान चाहिए, नेताजी का सम्मान चाहिए, नेताजी का क्या कहना है इसमें? नेताजी का क्या कहना है? नेताजी का आशीर्वाद लेके ही मैंने मोर्चा बनाया है। तो देखिए अभी तक मेरी कभी बात नहीं हुई है और मैंने भी बात नहीं की, बीजेपी वालों ने भी बात नहीं की और केवल ये लोग वही लोग उड़ा रहे हैं इन बातों को, जो हमारा संघर्ष का जो हमने ऐलान किया है, संघर्ष का ऐलान किया है और जो मैंने अभी बोला है गरीब किसान मजदूर बेरोजगारों से लेकर के, वो उस रास्ते से भटकाना चाहते हैं, केवल भटकाना चाहते हैं। मैंने हमेशा जो काम किया है डंके की चोट पर किया है। अच्छा, मैंने देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में मैंने खुलेआम जिसने वोट मांगा तो मैंने डंके की चोट पर वोट किया था कोविंद जी को रामनाथ कोविंद जी को, उन्होंने 3 बार मुझसे वोट मांगा था और मैंने राज्यसभा के चुनाव में एक ही फोन पर, मैं इटावा में था, मुझे 1 बजे फोन मिला और मैंने 6 बजे पहुंचा, उसके बाद दोनों दावत में शामिल हुआ और फिर डंके की चोट पर खुलेआम वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी से डंके की चोट पर मना कर दिया। और फिर समझ लीजिएगा मैं समाजवादी पार्टी का विधायक आज भी हूँ और रामचरण दास के साथ मैं जनरल सेक्रेटरी 10 साल से ज़्यादा रहा, 6 साल में प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूँ, किसी मीटिंग में मुझे नहीं बुलाया जाता है और जिस जिले में मैं जाता हूँ समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों से मना कर दिया जाता है, उनसे कोई मिलने नहीं जाएगा। मंत्री जी मैं एक क्वेश्चन यही पूछ रहा हूं, और ये नेताजी के आदेश देने के बाद भी, कई बार आदेश देने के बाद भाई ऐसा क्यों हो? दिल्ली से भी मैंने बात करी, दिल्ली ने भी आदेश दिए तो फिर अनुशासन कहाँ बचा? मैं यही पूछना चाह रहा कि जैसे, इसलिए मैंने देखिए सेकुलर मोर्चा बनाया है, जितने उपेक्षित लोग हैं जिनको पद नहीं मिल रहा, जो भी समाजवादी, जितने भी समाजवादी हैं, लोहियावादी हैं, चौधरी चरण सिंह वादी है और जो समान विचारधारा के लोग हैं हमारे साथ, सब आ जाएं और हम सबसे बात करें।